Thank you.
अभी आपने ये वीडियो देखा और इसमें कुछ आपकी समझ में आया होगा, बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो जो बहुत कुछ समझ में नहीं आया उसको जानने की जिज्ञासा हो रही होगी, तो अब वही बताता हूँ। यजुर्वेद का एक मंत्र है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नासो। वो पूरा का पूरा मंत्र यहाँ इस जल की ध्यान विधि के अंतर्गत आ गया है। अब इस मंत्र का अर्थ भी समझ लीजिए। ओम विश्वानि देव सवितर कि हे विश्व के देवता, इस संसार को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य, दुरितानि पराशुभ, हमारे जीवन में जो भी कुछ अशुभ है, अशुद्ध है, दूषित है, उसे दूर कर दीजिए। और यद भद्रम तन्नासो, जो भी कुछ शुभ है वह हमें प्रदान कीजिए। और ये जो ध्यान विधि है ना जल की, ये इसी पर आधारित है। हम पूरे दिन में न जाने कितनी प्रकार की चीज़ें खाते हैं, पीते हैं, खाना पीना लगा ही हुआ है, सारा दिन चरते रहते हैं, कभी कुछ चर रहे हैं, कभी कुछ चर रहे हैं। तो उस चरावट में हमारे भीतर सब कुछ जा रहा है और उस सब कुछ में विष का बहुत अंश होता है। ये मत समझ लीजिए कि जो भी हमने खाया वो सब अमृत है, उसका कुछ अंश अमृत होता है, कुछ अंश जिसे शरीर अपने भीतर मंथन करके निकालता है, लेकिन विष बहुत निकलता है उसमें से। अब वो जो इतना विष निकलता है क्या करेगा वो विष शरीर के अंदर? दुष्प्रभाव उत्पन्न करेगा, शरीर में कहीं ना कहीं रोग को उत्पन्न करेगा। और ये विष धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है शरीर में, क्योंकि इस विष को निकालने की कोई कीमिया, कोई विधि, कोई थेरेपी हमारे पास नहीं है। है इन वैदिक मंत्रों में है, जैसे ऋषि इस मंत्र में कह रहा है, हे विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नासो, कि मेरे भीतर जो भी कुछ जहर है, भीतर का, बाहर का, अंधकार, अज्ञान, दोष, उन सबको दुरितानि पराशुभ मुझसे दूर रखो, दूर करो। यद भद्रम तन्नासो, जो शुभ है मुझे दे दो। अब ये जो जल की ये जो चिकित्सा है, जो ध्यान विधि है, ये दो हैं। इस वीडियो को बाद में फिर से देखना मेरे समझाने के बाद, तब बात पूरी समझ में आ जाएगी। एक वीडियो में आप देख रहे होंगे कि सारी सब्जियों को उस जल के अंदर डाला जा रहा है और इन सब्जियों को मैंने बिना छीले डाला है, छिलके समेत डाला है। आप ऐसा ना कीजिएगा, आप छिलके उतार दीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो छिलके समेत डाला, आपको छिलके उतारने के लिए कह रहा हूँ क्यों? वह इसलिए क्योंकि जो सब्जियाँ मैंने छिलकों के साथ डाली, ये मैं अपने एक मित्र के फार्म हाउस से लाया था ये सारी सब्जियाँ, और इसलिए इनके ऊपर किसी भी प्रकार के कीटनाशक का उपयोग नहीं किया गया था, तो मैंने इसलिए डाल दी। लेकिन आप छिलके उतार कर डालें तो बहुत अच्छा है। अब इससे होगा क्या? इस जल को जब आप इस तरह से तैयार करेंगे, सारी सब्जियाँ आपने डाल दी, रात भर रख दिया, और सुबह उठने के बाद इस जल को नमस्कार करके इसका पान करें, तो आप देखेंगे कि सब्जियों का जो अमृत तत्व था वो इस जल के अंदर समाहित हो गया है। जल की एक बहुत बड़ी शक्ति है, वह किसी भी पदार्थ के तत्व को, सत्व को अपने में खींच लेता है। चंदन की लकड़ी आप डाल दीजिए जल में। प्राचीन काल में जो राजे महाराजाओं के स्नानागार होते थे, वो क्या था, महल के अंदर एक बहुत बड़ा सरोवर होता था और उस सरोवर के अंदर चंदन की लकड़ी के लट्ठे डाल दिए जाते थे, भर देते थे सरोवर को चंदन की लकड़ियों से। रात भर पड़ी रहती थी चंदन की लकड़ियाँ और सुबह निकाल लिया जाता था। रानी महारानी, राजे महाराजे उसमें स्नान करने जाते थे तो वो चंदन का सुगंधित जल हो जाता था। तो जल का तत्व क्या है, किसी भी सुगंध को अपने में समा लेता है, उसके गुणों को समा लेता है।
और यहाँ पर इन सारी सब्जियों का जो रस है, असली रस, वो उस जल में आ जाएगा। और जब आप इस जल को पियेंगे तो ये एक डिटॉक्स वाटर बन जाएगा। डिटॉक्स वाटर का मतलब होता है कि जो विषाणु हैं उनको शरीर से बाहर फेंकने की, उनको नष्ट करने की जो क्षमता रखता है उसे डिटॉक्स वाटर कहते हैं। जो एंटीवायरस होता है, एंटीडॉट होता है, तो ये पानी जो है ना, ये इन विषाणुओं का एक एंटीडॉट है। और ऐसे ही फलों का तैयार किया तो दोनों तैयार हो गए। आपकी जब इच्छा हो तब स्वेच्छा से पीजिए, जो पीना है। किसी को फलों का सुबह पीना है वो फल का पी सकता है, किसी को सब्जियों का पीना है वो सब्जियों का पी सकता है, और पूरे दिन आप इसको थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। सारे दिन में यदि आपने 200 ग्राम भी पी लिया तो पर्याप्त है, बहुत है 200 ग्राम भी पी लिया। और इसको पीने के बाद आप अनुभव करेंगे कि भीतर कुछ ताजगी महसूस हो रही है। और पीना एक ही घूंट में नहीं है, धीरे धीरे पीजिए अपना आराम से, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं पीने की। और जब इस धैर्यपूर्वक आप पी लेंगे उसे, तो आप देखेंगे कि वो तरावट गले से होती होती पूरे शरीर के अंदर एक फैलती दिखाई देगी आपको, पूरी तरावट। और जब इस आप डिटॉक्स वाटर को बनाएं, इस विषाणु नाशक जल को तैयार करें, तब भीतर ही भीतर प्रभु का चिंतन करते रहें। आपने देखा होगा पूरे वीडियो में मैं कहीं नहीं बोला हूँ, कहीं भी नहीं, बोलने का कोई कारण नहीं है। जब भी कोई इस तरह की ध्यान विधि तैयार की मैंने, तो भीतर सिमरन चलता रहा, जाप चलता रहा निरंतर। वही जाप की शक्ति जल भी लेता है, सब्जियों को तो ले ही रहा है, फलों को तो ले ही रहा है, साथ ही साथ वो भीतर की हमारी सिमरन से उठी ऊर्जा को भी ले रहा है। इसलिए पूर्ण रूपेण शांति है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और इस जल ने किस प्रकार से फलों का और सब्जियों का सत्व खींचा है, इसका यदि आपको पता लगाना हो ना, तो बहुत आसान तरीका है। उस सब्जी को निकाल कर आप खा लीजिए, इसमें गाजर भी डली है, खीरा भी डला है, चुकंदर भी डला है, और देखिए चुकंदर का रस कैसे एक एक निकल कर आ रहा था उसके भीतर, रंग उसका आप देख रहे थे चुकंदर का, कैसे रंग छोड़ रहा है वो धीरे धीरे अपना, उसका रस भी आ रहा है, रंग भी आ रहा है। और जब आप जल से निकाल कर अगले दिन उन सब्जियों को खाएंगे ना, तो आपको वो बड़ी बेस्वाद लगेगी, मन करेगा तत्काल थूक दें, क्योंकि उसमें कुछ बचा ही नहीं होगा। तो उनका क्या करना है, उन सब्जियों को गिलहरियों को खिला देना, छत पर रख देना, पक्षी खा जाएंगे, उनको सब अच्छा लगता है, पक्षियों को, वो सब खा जाएंगे। आपको सिर्फ उस जल से सरोकार है, वो जल जो कि अब अमृत बन चुका है। और इस जल को पीकर आपकी जो अनुभूति होगी वह आपको बता देगी कि आपके भीतर अमृत गया है, और कहीं ना कहीं भीतर का जो विष है वो पराजित हो रहा है, अमृत विजयी हो रहा है। और इस विधि को करते हुए आप निरंतर यदि इस जल का पान करेंगे, निरंतर पूरे साल कीजिए आप। मैंने सिर्फ कहा कि आपको 200 ग्राम पीना है, तो परिवार का प्रत्येक सदस्य 200-200 ग्राम पी सकता है, बाकी आप दूसरा जल पीते रहिए, लेकिन इसे सुबह अवश्य पीजिए। और उसके बाद ये जो प्रसाद रूप में ध्यान विधि मिली है, इसका आनंद उठाइए।